हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रवि शर्मा और इस वीडियो में हमने एक मॉक इंटरव्यू लिया। मॉक इंटरव्यू क्या होता है कि जैसे आप प्री और मेंस के मॉक्स देते हैं, वैसे इंटरव्यू का भी अगर आप मॉक दे के जाते हैं तो आप वहाँ पे बेटर परफॉर्म करते हैं, क्योंकि आपके अंदर जो भी डर है, नर्वसनेस है कि मैं फर्स्ट टाइम इंटरव्यू फेस कर रहा हूँ या फिर वहाँ क्या क्या पूछा जा सकता है, वो सब चीज़ों का निचोड़ अगर आप मॉक इंटरव्यू देंगे तो आपको वहाँ पे बिल्कुल वो डर वर नहीं लगेगा और आप बेटर परफॉर्म करेंगे और आप अच्छा स्कोर करेंगे इंटरव्यू में भी। तो जितने इम्पॉर्टेंट प्री और मेंस के मॉक हैं उतने इम्पॉर्टेंट मॉक इंटरव्यूज़ भी होते हैं। तो जितना मेरे हाथ में होता है मैं कंडक्ट कराने की कोशिश करता हूँ। टाइम की पॉसिटी थोड़ी सी रहती है, लेकिन फिर भी मैं ट्राई करता हूँ कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का ले सकूँ मॉक इंटरव्यू मैं लूँ। तो अगर आपको भी मुझे मॉक इंटरव्यू देना है तो आप टेलीग्राम चैनल पर डिटेल्स मिल जाएगी आपको। चैंपियंस ऑफ रवि शर्मा टेलीग्राम चैनल का नाम है, लिंक डिस्क्रिप्शन में। और बाकी वहाँ पे क्या क्या मुझे डिटेल्स आपसे चाहिए वो आपको मुझे मेल करनी है और फिर मैं उससे आपके क्वेश्चंस बना के आपका मॉक इंटरव्यू लेने की कोशिश करता हूँ, ठीक है? तो आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, बाकी इंस्टाग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और चलिए शुरू करते हैं फिर इस मॉक इंटरव्यू को। शुरू करने से पहले मैं ये बता दूं कि इस मॉक इंटरव्यू का फ्लो ये रहता है कि पहले मैं आपका मॉक इंटरव्यू लेता हूं, फिर मैं आपको 10 में से मार्क्स देता हूं, उसके बाद मैं आपको फीडबैक देता हूं कि मुझे क्या क्या लगा आपके इंटरव्यू में, कहाँ पर आप बेहतर कर सकते हैं। उसके अलावा फिर मैं आपको बोलता हूँ कि अगर आपके पास कुछ डाउट्स या क्वेश्चंस हैं इंटरव्यू के रिलेटेड या फिर और भी किसी चीज़ से रिलेटेड तो आप मेरे से पूछ लीजिए, उनको मैं क्लियर करता हूँ। तो ओवरऑल बहुत अच्छा ये एक्सरसाइज रहती है, तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं तो टेलीग्राम चैनल है, ठीक है? तो शुरू करते हैं। स्टार्ट ओके अभिलाष, स्टार्ट विद योर इंट्रोडक्शन। जी सर। सर माय नेम इज अभिलाष गोवर्धन। आई बिलोंग्स टू मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट व्हिच इज लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश एंड आई हैव कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन दैट इज बैचलर इन आर्ट्स इन 2020 एंड सर करंटली आई एम डूइंग क्लरिकल जॉब इन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एंड पोस्टेड इन वाराणसी। माय फादर इज अ बिजनेसमैन एंड ही हैज अ टेंट हाउस शॉप। सर माई हॉबीज आर लिसनिंग म्यूजिक, वॉचिंग वेब सीरीज एंड मूवीज एंड ऑल्सो राइटिंग सम शॉर्ट पोइट्री। ओके, हाउ लॉन्ग यू हैव बीन वर्किंग इन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया? सर 6 months, 6 months। सो यू हैव बीन वर्किंग एज अ बैंकर फॉर द लास्ट 6 months, ठीक है? तो अभी तक जो जी आपने सर। जॉब में किया है क्लरिकल में, आपने क्या सीखा, व्हाट हैव यू लर्न्ड? सर सबसे बड़ी चीज तो ये कि बैंकिंग लाइन में जो है सबसे अच्छी चीज तो कि आप पेशेंस से आपको काम करना होता है और दूसरी चीज ये सर एक टाइमिंग की है। अगर आप सही टाइम से आ रहे हो, सही टाइम से जा रहे हो, सही टाइम से लोगों का काम कर रहे हो तो आपके साथ कस्टमर्स खुश रहते हैं। और दूसरी एक चीज ये भी होती है सर कि बैंकिंग लाइन एक ऐसी चीज है, अगर आप उसमें लगन से काम करेंगे, चीजें अच्छे तरीके से सीखेंगे तो आप बहुत अच्छे से उसमें फिर आगे खुशी खुशी काम कर पाएंगे। स्टार्टिंग में क्या हुआ था सर, जब मैंने ज्वाइन किया था तो मुझे कैशियर का जो काम था वो थोड़ा अच्छा नहीं लगता था और उसी चक्कर में शुरुआत में मेरे 5,000 जो है शॉर्ट हो गए थे। वो सर जनरल सी चीज है कि हो जाता है कैशियर के साथ। तो फिर उसके बाद मैंने सोचा कि नहीं ये तो अच्छा नहीं है, मुझे शायद अपने काम में मन लगाना पड़ेगा थोड़ा। फिर सर उसके बाद अभी तक 6 या 7 महीने हो चुके हैं, अब तक सब ठीक है। ये आपने बताई जो क्वालिटीज आपने इनकलकेट की है या फिर जो लर्निंग्स है आपकी, इसके अलावा जो आपकी वर्क प्रोफाइल है उसमें आप क्या क्या हैंडल करते हैं? सर एक तो मिसलिनियस वर्क जो होते हैं, अकाउंट ओपनिंग, एफडी अकाउंट्स ओपन, और सर बाकी के मिसलिनियस वर्क, केवाईसी करना, और सर कैश पर तो बैठती है, आधार एंट्री करना ये सब, और सर मेकर चेकर जो कॉन्सेप्ट है उसमें मैं मेकर का काम करता हूँ सर। जो आरबीआई के हिसाब से जो अकाउंट्स होते हैं, कोई भी अकाउंट होते हैं, वो 3 कैटेगरी में डिवाइड होते हैं रिस्क के हिसाब से, हाई रिस्क, मीडियम रिस्क और लो रिस्क। जी सर तो इन सर तीनों में मतलब केवाईसी कितने साल बाद ड्यू हो जाती है? हाई रिस्क में हमें सर कंप्लीटली तो मुझे याद नहीं है बट कैन आई गेस इट सर। सर पूरा याद नहीं है कोई भी? लो रिस्क में तो 2 साल के बाद हमें केवाईसी देनी, नहीं सर पता है सर लो रिस्क में सर 2 साल के बाद हमें केवाईसी करानी पड़ती है, मीडियम में 1 साल के बाद, और जो हाई रिस्क कस्टमर्स होते हैं शायद 2 महीने या 6 महीने के बाद करानी। अच्छा, मतलब जो हाई रिस्क कस्टमर्स हैं उनकी हर 2 महीने बाद आप उनको बोलोगे कि आधार और पैन दे दो अपना? सर ये कंप्लीट बस इसी चीज में थोड़ा कंफ्यूजन है सर। आप एक बार फिर से पढ़ लेना, तीनों ही आपके गलत है।
इसके अलावा मैं ये जी पूछना जी चाहता सर हूँ कि NEFT और RTGS में क्या फर्क है? सर NEFT तो होता है ये एक नेट सेटलमेंट प्रोसेस है। इसमें जो सेटलमेंट जो होती है वो एक बैचेज में होती है, जो आधे आधे घंटे के जो है टाइम पीरियड में चलती है। और सर RTGS एक रियल टाइम प्रोसेस है। RTGS की फुल फॉर्म सर वही रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट होती है। इसमें हम एक तो सर ये प्रोसेस जो होती है ये रिवर्स नहीं हो सकती RTGS जो होती है, और ना ही हम इसमें कुछ कर सकते हैं, एकदम रियल टाइम होती है। जैसे हमने उधर एंटर किया तो वो पेमेंट हो जाती है। अच्छा जी, एंड सर इनकी लिमिट्स में भी थोड़ा फर्क होता है, 2 लाख से नीचे तक हम NEFT करते हैं और 2 लाख के ऊपर RTGS करते हैं। अच्छा 3 लाख है और मैं बोलूँ कि NEFT करो तो आप कर दोगे? करेक्ट, हाँ सर हो सकता है NEFT वो भी, बट सर यूजुअली करते ही नहीं है। ठीक है। तो आपने अपनी एजुकेशन में BA की है, ठीक है, तो BA करके चलो आप अभी जी तो सर बैंक में आ गए हो, बट आप क्यों आए बैंक में, इसके पीछे मैं रीजन जानना चाहता हूँ। एक्चुअली सर मेरी जो बड़ी सिस्टर है वो बैंक में ही है सर, शी इज ऑल्सो वर्किंग इन अ ग्रामीण ग्रामीण बैंक सर। तो सर उन्हीं को देख के थोड़ा सा शुरू से कहीं ना कहीं मन हो गया था कि हाँ बैंकिंग की जॉब काफी अच्छी है। तो सर दीदी ने थोड़ा सा गाइड किया था कि तुम अपने लिए जो है एक ओपन से ग्रेजुएशन पूरी करो अपनी, और साथ में अपनी प्रिपरेशन पूरी कर दो। तो सर उसका बेनिफिट ये रहा कि ग्रेजुएशन पूरी होने के 1 साल बाद ही मुझे जॉब मिल गई। गुड। इसके अलावा जो आपने बैंकिंग में आप जॉब करते हैं, ठीक है, तो आपने बोला कि जी सर कस्टमर सर्विस इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और भी मैं पूछना चाहता हूँ, कस्टमर सर्विस के अलावा और क्या क्या चीजें हैं जिनसे आप बैंक का प्रॉफिट बढ़ा सकते हैं? सर एक तो लेंडिंग वाली चीजें जो होती हैं, हम लोन जो है लोगों को दिलवा सकते हैं। दूसरा सर लोगों को, जैसे अभी मेरे एक मैनेजर सर ने मुझे एक टास्क दिया था कि आपको लोगों को फोन करना है और उनके अगर कहीं पे भी डिपॉजिट्स हैं दूसरे अदर बैंक में तो उनको आपको बोलना है हमारे बैंक में जो है एक FD की स्कीम है और वो काफी अच्छी है, तो आप वहाँ का पैसा हमारे बैंक में लाके उसकी FD डिपॉजिट करा सकते हैं, तो जिससे आपको ये सब बेनिफिट्स होंगी। तो सर एक तरीका ये भी है कि हम लोगों को कन्विंस कर सकते हैं कि हमारे बैंक की स्कीम्स अच्छी है फिक्स डिपॉजिट की, टर्म डिपॉजिट की, तो आप अपना पैसा जो है हमारे बैंक में लगा सकते हैं। लेकिन जब आप डिपॉजिट लेते हैं, जैसे आपने बोला कि FD में हम अच्छा इंटरेस्ट रेट देते हैं, तो उससे तो हमारा इंटरेस्ट जा रहा है, पैसा सर जा रहा है, तो कैसे वो फायदा कैसे करती है डिपॉजिट? क्यों हम बार बार बोलते हैं कि FD अकाउंट सर भी सर खोलें? अगर हमारे पास जो है किसी का एक बड़ा अमाउंट हमारे बैंक में एज अ फिक्स डिपॉजिट रखा जाता है, तो हम उस पे उसको जितना इंटरेस्ट दे रहे हैं हम उसी पैसे को लोन के रूप में दूसरे लोगों को देके उस पे ज्यादा इंटरेस्ट अपने पास कवर करते हैं सर। तो तो वो आप बैंक की अर्निंग का सोर्स होता है एक तरह से। करेक्ट, जो आपकी ब्रांच का बिजनेस फिगर्स है, आपको रफली कुछ आइडिया है कि कितने का उनमें एडवांस है और कितने का डिपॉजिट है? हाँ सर डिपॉजिट सर कंप्लीट डिपॉजिट का नहीं पता, लेकिन लास्ट फिस्कल ईयर का पता है सर। तो लास्ट फिस्कल ईयर से अब तक सर जो सेविंग अकाउंट है उसमें 37.39 लाख है, और जो करंट अकाउंट है सर उनमें 11.4 लाख के समथिंग है सर अभी। और जो हमने जो लोन्स दिए हैं सर, जो रिटेल लोन्स है उनको 39 लाख के लोन्स दे रखे हैं, और सर जो KCC है हमारे पास उसमें लगभग 1 CR के लगभग दिए हैं केसीसी, लोन केसीसी का क्या मतलब है, उसमें क्या अलग है केसीसी में? सर। इस किसान क्रेडिट कार्ड सर ये किसानों को ही मिलता है ये लोन जो होता है, और हम इस पे जो है एक तरह से उनकी जमीन पे हम वो लोन देते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जो 1 रुपए का नोट होता है जो RBI छापती है, उस पे कौन साइन करता है? सर 1 रुपए के नोट पे कोई साइन नहीं करता है कोई साइन नहीं? उस पे, एक्चुअली RBI गवर्नर के साइन नहीं सर करते हैं, वो सेक्रेटरी साइन करते हैं, RBI के गवर्नर साइन नहीं करते जैसे दूसरे नोट पे करते हैं। कौन से सेक्रेटरी होते हैं, वो RBI के सेक्रेटरी होते हैं कि फाइनेंस सेक्रेटरी होते हैं कि कौन होते हैं? सर सॉरी सर बट ये थोड़ा सा माइंड से निकल गया। और मैक्सिमम नोट कितने तक का छाप सकते हैं RBI वाले? सर 2000 तक अच्छा, तो चलिए ठीक है, बाद में बात करते हैं इस पे। इसके अलावा मैं आपसे पूछता हूँ कि आप जी जब सर डेली जाते हैं, ठीक है, बैंक में, तो आपको जी अगर कोई सर कस्टमर बहुत उल्टा सीधा बोल रहा है तो आप उससे कैसे डील करते हैं? अगर कोई आ रहा है उसका काम होने वाला भी नहीं है, ये आपको पता है कि उसका काम नहीं हो सकता 10 मिनट में, उसको कम से कम 1.5-2 घंटे हमें चाहिए, फिर
फिर भी वो आपको बोल रहा नहीं मेरा अभी करो, मैं जी सर, आपका कस्टमर हूँ, वो बहुत आपको फ्रस्ट्रेट करने की कोशिश कर रहा है, आपसे लड़ रहा है, तो आप उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे? सर पहले तो ये एक बैंकर की सर सबसे बड़ी क्वालिटी होती है उसमें पेशेंस होना चाहिए, कि अगर सामने वाला आपको दो चार बातें सुना भी रहा है तो आप ठीक है सुन लो उसको, आप समझा सकते हैं सर। हम ऐसा तो नहीं है कि अगर वो हमारे साथ लड़ रहा है तो हम भी उसके साथ लड़ने लगे, ये कहीं तक सर ठीक नहीं होता। फिर सर दूसरी चीज ये हो सकती है कि अगर वो आउट ऑफ द लिमिट जाके कुछ काम करता है तो हम एज अ प्रूफ के लिए उसकी वीडियो को बना सकते हैं। सर एक्चुअली मेरे साथ ऐसा हो चुका है, तो जो मेरे जो कलीग्स थे जो स्टाफ वाले थे उन्होंने उसकी वीडियो बना ली थी, तो उसे ये था कि हाँ वो इंसान थोड़ा सा डर जाता है इस चीज को लेके कि हाँ ये लोग मेरे साथ कुछ ना कुछ मतलब आगे भी कंप्लेन वगैरह कर सकते हैं, कोई एक्शन ले सकते हैं, तो थोड़ा कहीं ना कहीं उनको भी ये चीज पता चल जाती है कि हाँ मुझे भी पेशेंस से काम लेना पड़ेगा यहाँ पे। तो वीडियो बनाने से पहले आपको नहीं लगता कि आपको मैनेजर के पास जाना चाहिए अपने? हाँ सर मैनेजर, एक्चुअली सर मैनेजर सर उस टाइम पर एबसेंट थे उस दिन ब्रांच में, ऐसे बट वैसे एक्चुअली एक्चुअली जब कभी ऐसा होता है कि कोई हमसे नहीं मानता है तो हम उनको सीधा कह देते हैं कि आप जाके एक बार मैनेजर सर से बात कर लीजिए और आगे अगर जैसे भी उनका ऑर्डर होगा हम वो फॉलो कर लेंगे। ठीक है, आपको क्लियरिंग करते हैं। आप सीटीएस का क्या फुल फॉर्म है? सर चेक ट्रंकेशन सिस्टम। क्या होता है ये? सर इसमें हम चेक की जो है एक हार्ड कॉपी ना भेज के हम उनकी एक सॉफ्ट कॉपी जो है अदर बैंक में भेजते हैं, ये अदर बैंक के लिए होता है सर। और इसमें सर ऐसा रहता है कि पहले जो होता था हमें चेक भेजने पड़ते थे और वो काफी दिन बाद जाके बैंक में तब जाके उनका पेमेंट वगैरह जो होता था वो पूरा होता था, लेकिन अब हम सीटीएस के थ्रू उनको एक सॉफ्ट कॉपी बैंक को भेज देते हैं और बस वो क्लियरिंग हाउस भेजना होता है फिर सर हमें चेक को, उसके थ्रू फिर थोड़ा सा जल्दी प्रोसेस हो जाता है और पेमेंट भी हो जाती है। करेक्ट। तो अगर किसी चेक पे ऐसे डबल क्रॉस है तो उसका क्या मतलब होता है? सर इट मीन्स कि इस चेक में हम कैश में पेमेंट नहीं कर सकते, सिर्फ ट्रांसफर कर सकते हैं। करेक्ट। और बाकी ये चलो बैंकिंग का पूछ लिया, अब आपको मैं ये पूछना चाहता हूं कि जो चीजें हैं आपको, मतलब अब आपकी लाइफ में क्या एस्पिरेशंस है इस टाइम पे? आप ऑलरेडी एक क्लर्क हैं एक अच्छे बैंक में, ठीक है, तो इसके बाद आप क्या देखते हैं, सर कहाँ देखते हैं 5 साल बाद? अभी तो यही है कि जितना जब तक हम है इस चीज के लिए काबिल कि हाँ हम पढ़ सके आगे बढ़ सके तो तब तक सर कोशिश करेंगे कि हाँ जितना ऊपर तक हम बैंक में जा सके चले जाएं। अगर सर जैसे ये मेरा अभी मैंने सर पिछली बार भी आईबीपीएस पीओ इंटरव्यू तक मैं गया था और उस टाइम पे सर मैं फाइनल मेरिट आउट हो गया था, तो कहीं ना कहीं मन में ये था कि जब मैं अगर एक बार कर सकता हूँ तो दोबारा भी करूंगा इस चीज को, एंड सर फाइनली आई एम हियर डूइंग इट अगेन। तो सर अब मैं मुझे लगता है कि अगर हाँ पीओ तक है तो शायद उससे ऊपर भी कहीं ना कहीं मैं इतना तो डिजर्व कर सकता हूँ। अगर आप इस, मतलब खुदा ना खास्ता अगर इस टाइम भी आप सिलेक्ट नहीं हुए तो आप अपने आप को कैसे समझाएंगे? क्या सर इस टाइम अगर इस बार भी आप सिलेक्ट नहीं हुए इंटरव्यू में तो आई आप, कांट हियर यू प्रॉपरली सर। अगर इस बार भी आप इंटरव्यू में सिलेक्ट नहीं हुए तो आप कैसे समझा पाएंगे अपने आप को, कैसे समझाएंगे जाने के बाद यहाँ से? सर जैसे सर मैंने पिछली बार समझाया था सर, मेरा ना एक सिंपल सा एक मोटिव रहता है कि मुझे अपना 100% देना है। मुझे मैं हर एग्जाम के बाद या इंटरव्यू के बाद खुद से एक सवाल पूछता हूँ कि क्या तूने अपनी पूरी शिद्दत से तैयारी की थी, क्या तूने इतनी मेहनत की थी कि तुझे खुद से शिकायत ना हो। अगर सर मुझे जवाब हाँ में मिलता है तो बस मैं सोच लेता हूँ कि ये चीज अभी किस्मत में शायद नहीं है, तो आगे वो फिर से कोशिश करेंगे। बस सर यही इसी तरह से पिछली बार समझाया था, इसी तरह से अभी इस बार समझा लें। करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन है मेरा, थोड़ा सा अलग सवाल है ये। आपने बताया कि जी आपके सर, फादर का एक टेंट हाउस है, ठीक है, तो वो उसको मैनेज जी करते हैं, सर, तो आपने क्या कभी अपने फादर की हेल्प की या फिर उनको कोई सही इनपुट्स दिए जिससे उनकी थोड़ा सा काम आसान हो गया हो? ऐसा कुछ आपने इनिशिएटिव लिया, कुछ इनपुट्स दिए उनको? जी सर, जी सर, सर एक्चुअली कई बार क्या होता था कि पापा जी जो है वो अकेले ही चले जाते थे कहीं भी किसी काम पर, तो हम एक तो मैंने उनको कहा कि एक्चुअली सर मेरे फादर जो है वो थोड़ा सा हेल्थ के अकॉर्डिंग थोड़ा ठीक नहीं रहते हैं, तो एक तो हम उनको काम करने नहीं देते, तो एक्चुअली मैं और मेरा छोटा भाई हम दोनों ही मैक्सिमम काम सब संभालते थे जॉब से पहले, तो
सर बस पापा जी का ये रहता था कि हाँ उनको जॉब काम पर लेके जाना है और उनको एक तरफ बैठा देना है कि हाँ आप बस देखिए काम, आप हमें ऑर्डर दीजिए, बाकी सब हम करेंगे। बाकी सर चीजें जो होती थी वो सब मैं और मेरा छोटा भाई मैनेज करते थे, किस तरह से काम जल्दी करना है, किस तरह से काम अच्छे से करना है, वो सब लोगों को शिकायत नहीं रहनी चाहिए। और सर एक थोड़ा सा उस काम से मुझे एक अच्छी चीज ये रही कि मेरे अंदर लीडरशिप क्वालिटी आ चुकी है थोड़ा। मैं जैसे दूसरों को ऑर्डर देते हुए, खुद से काम कराते हुए, उनसे उनके साथ बैठ के काम करते हुए, तो उस चीज का थोड़ा सा फर्क पड़ा है सर। ठीक है, इससे तो आप में लीडरशिप आई। क्या आपने अपने छोटे भाई से भी कुछ सीखा है? क्या जी सर, सीखा है? हाँ, सर छोटे भाई से सीखा है कि हमेशा पॉजिटिव कैसे रहते हैं किसी भी कंडीशन में। ठीक है, चलिए, आपका इंटरव्यू बस इतना ही है। ठीक है, अब थोड़ी सी बात करते हैं, फीडबैक फीडबैक थैंक यू सो मच हो सर। सकते हैं आप। जी सर, अब थोड़ा सा बात करते हैं फीडबैक पे, और क्या क्या चीजें मुझे लगेगी थोड़ी सी गलत हैं या फिर थोड़ी सी सुधारी जा सकती है। जी सर बिल्कुल, जी तो सर बिल्कुल। आप अपने आप को 10 में से कितने मार्क्स देना चाहेंगे, पहले तो मुझे ये बताओ। सर 6 और 7। ठीक है, तो आपको, चलो मैं भी अगर मार्क्स दूंगा तो मैं दे दूंगा 7, 7.5 मार्क्स। ठीक है, 7 तो पक्का दे दूंगा, 7.5 भी शायद दे दूं। बाकी पहली लाइन आप बोलते हो कि माई नेम इज ये, दूसरी फिर आप बोलते हो आई बिलोंग्स टू, बिलोंग्स नहीं होता, आई बिलोंग होता है। ठीक है, तो ये छोटी सी चीज है, ऐसे नहीं लगाना उसमें, बिलोंग है बस। ठीक है, बाकी आपका इंट्रोडक्शन ठीक था, जी सर, आपका ठीक है इंट्रोडक्शन, कोई ज्यादा उसमें कम ज्यादा नहीं है। ठीक है, मतलब गुड इनफ। इसके अलावा सर एक्चुअली मैंने इंट्रोडक्शन में शायद आप ही ने एक लाइन बताई थी जिसमें ऐसा था कि आई एम इमोशनली वेरी स्टेबल एंड प्रोफेशनल हैविंग अ फ्रेंडली नेचर, ये सर शायद आप ही ने बताई हुई है। वो जब तो सर मैंने वो भी लिखी है। क्वेश्चन, नहीं तो मैंने इतना नहीं बताया होगा, बट कोई जो एक्स्ट्रा जब वो पूछते हैं ना, उसके बाद ये वाली लाइनें थोड़ी सी इंट्रोडक्शन में डालनी होती है। इंट्रोडक्शन जी सर फिर भाई, तो बाद में सर ये बोल, डाल सकते हैं कि नहीं? ये अगर आपका इंट्रोडक्शन ठीक ठाक है, आप ज्वाइन बैंक में काम कर रहे हैं, तो एक्स्ट्रा फालतू चीजें डालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसके बाद, ठीक, इसके बाद आपको हाई, मीडियम और लो रिस्क के अकाउंट्स जो होते हैं, यानी कि हाई में 2 साल, मीडियम हाँ सर, वो में 5 साल और जी लो सर 8 साल बाद। ठीक, ऐसा है इसका, इसका ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। 9 में 8 साल बाद। जी जी सर, 8, 5 और 2। ठीक है, इसके अलावा बाकी आपने सही बोला सब, 8, 5 और 2। ₹1 के जी नोट सर, पे फाइनेंस फाइनेंस सेक्रेटरी करता है साइन, और मैक्सिमम नोट 10,000 तक का छाप सकती है आरबीआई। ठीक है, ये चीजें हैं। आपसे मैंने ज्यादा सवाल फाइनेंशियल रिलेटेड ही पूछे, आपके जॉब रिलेटेड ही पूछे, क्योंकि आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, जो आपको जॉब चाहिए उसी का आप छोटा वर्जन ऑलरेडी कर रहे हैं और ग्राउंड वर्जन कर रहे हैं, और इसलिए आपको जो जो चीजें पता होनी चाहिए आपको पता है। लेकिन मैं फिर भी चाहता हूँ कि आपको अगर 90% भी पता है तो आप 100% पता कीजिए। थोड़ा थोड़ा जो आप डेली करते हैं ना, अपने आप से पूछिए कि आज मैंने क्या क्या किया, इसमें से क्या सवाल पूछ सकते हैं, और मैं क्या क्या करता हूँ, मिसलिनियस बोल दिया, ठीक है, मिसलिनियस बोल दिया, तो मिसलिनियस में क्या क्या आता है वो सब पता होना चाहिए। और बिल्कुल बेसिक जो लोन का, थोड़ा थोड़ा अपने लोन ऑफिसर से थोड़ा थोड़ा उसको कहना कि सर क्या क्या आ सकता है वहां पे, क्या क्या वो पूछ सकते हैं, बिल्कुल बेसिक वो मुझे आप बता दो। ठीक है, जैसे वो ऐसे ही जी पूछ सर। सकते हैं कि आपका लोन सर एक पेइंग कैपेसिटी क्या होती है, और क्या क्या आप देखते हैं, सिबिल क्या होता है, ये 2-4 चीजें आपसे पूछ सकते हैं, ज्यादा नहीं पूछेंगे, बट फिर भी सर, आप कैन यू थोड़ा रिपीट दिस, आई सा प्रिपेयर कर लेना। सर कैन यू रिपीट दिस, आई कांट हियर यू सर मैं कह प्रॉपर्ली। रहा हूँ कि जो लोन का पार्ट है ना, वो भी आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए आप थोड़ा थोड़ा वो भी तैयार कर लेना। ठीक है, अपने लोन ऑफिसर से जाके जी कहना कि सर, थोड़ा बेसिक्स मुझे बता दो। बेसिक में कुछ नहीं होता है, बस वो यही पूछेंगे कि अगर कोई बंदा लोन मांगने आए तो आप उसको क्या क्या पूछेंगे। ठीक है, रीपेइंग कैपेसिटी क्या होती है, और टर्म लोन और सीसी में क्या फर्क है, ऐसे से सिबिल क्या होता है, ये सब सवाल पूछे जा सकते हैं आपसे। ठीक है, तो आपसे, वैसे बेसिकली आपसे बैंकिंग के रिलेटेड ही मेरा जहां तक अंदाजा है 80% वही पूछेंगे, बाकी आप ठीक ठाक जी बोलते हैं, आप सर, घबराते भी नहीं है, तो वो अच्छी चीज है। बाकी आप ये वीडियो वीडियो बनाने वाला सीन उनको मत समझाना, वो बाद की बातें हैं, वो प्रैक्टिकली है। ठीक है, वो हम इंटरव्यू में वो चीजें अच्छी नहीं, जी ठीक सर, है, हाँ उनको सर, वो पेशेंटली तो जी, हैंडल करने की कोशिश करूंगा, और फिर भी अगर कुछ होता है तो मैं अपने सीनियर्स की भी जी हेल्प सर लेना चाहूंगा, और फिर हम मिलके सर काम डाउन कर देते हैं। कहना है कि मेरी एक चेयरफुल पर्सनैलिटी है जो कि लोगों को वैसे ही काम डाउन कर देती है,
बट फिर भी ऐसा नहीं हुआ तो आई विल टेक द हेल्प ऑफ माय सीनियर्स। आपका बाकी ठीक है सब, आप थोड़ा सा पढ़ते रहिए अपने बैंक के बारे में, और थोड़ा सा बैंक के बारे में पढ़ लेना सर, आपका जिस बैंक में आप जॉब करते वन थिंग हैं। आई वांट टू आस्क सर, बैंक के सर बिजनेस में कौन कौन से कंपोनेंट आते हैं? बैंक का आपको कुछ जैसे नहीं सर मैंने पता, बताया केसीसी लोन। आपको बेसिकली आपको सिर्फ तीन चीजें ज्यादा पता होनी चाहिए, चार चीजें। पहली चीज कि आपका टोटल डिपॉजिट कितना है, दूसरा आपका टोटल एडवांस कितना है, तीसरा आपका एनपीए कितना है, चौथा आपका प्रॉफिट कितना है। बस ये चार चीजें अपने मैनेजर से पूछ लेना, और कुछ मत पूछना, ठीक है? सेविंग करंट वरंट डिफरेंट करने की ज्यादा जरूरत नहीं है जब तक वो पूछे नहीं, ठीक है? वो बैक ऑफ द माइंड याद रख लेना कि सेविंग में कितना है, करंट में कितना है, और एफडीओ में कितना है। एफडी को टर्म डिपॉजिट बोलते हैं। इसके अलावा लोन में जरूरी नहीं है, जी लोन सर, में भी अगर देखना है तो तीन ही मेजर कैटेगरी, रिटेल, एमएसएमई और एग्रीकल्चर, ठीक है? और जी सर, एनपीए और प्रॉफिट का कुछ दिक्कत नहीं है, नंबर ऑफ अकाउंट्स और कितना एनपीए, बस वही, ठीक है? तो दैट्स ऑल, अभी एक और इंटरव्यू लेना है, इसलिए आपको बाय जी करें। सर, थैंक यू सो मच सर, इट वाज वेरी नाइस मीटिंग यू सर।